तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DBS Tech पर। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ और मैं अयोध्या की धरती से आपका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं Realme 8 5G के बारे में। जी हां दोस्तों, जो कि चाइना में जो है लॉन्च कर दिया गया, और यहां पर जो चाइना में जो लॉन्च हुआ है उसका नाम, इस फोन का नाम जो है अलग था। यहां पर जो इस फोन का नाम था Realme V13 के नाम से था, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका, और वही फोन जो है रीब्रांड होकर इंडिया में आ रहा है। तो इस फोन के हम बताएंगे आपको रिव्यू, स्पेसिफिकेशन और बहुत सारी चीजों को। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो को अपलोड करूं वो वीडियो आगे पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इससे पहले हम जान लेते हैं Realme 8 5G में होना क्या है। दोस्तों इससे पहले जो ये फ़ोन जो है चाइना में जो है लॉन्च किया जा चुका है। इस फोन का जो चाइना में जो नाम था वो नाम था Realme V13। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ये फ़ोन जो है थाईलैंड में भी लॉन्च किया जाना है, जो कि तारीख उसका डन हो चुका है 21 अप्रैल। इससे पहले जो है इस फोन का जो टीजर है थाईलैंड का जो है वो फेसबुक पेज पर जो है नज़र आ चुका है। इंडिया में जो है ये फ़ोन जो है 22 तारीख को लॉन्च किया जाना है। Realme 8 जो कि पहले भारत में लॉन्च किया जा चुका है, उसका जो है ये फ़ोन अपग्रेड वर्जन है, जो कि कंपनी निर्माता का कहना है कि हम इस फ़ोन को जो है एक 5G के साथ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो है जो लॉन्च किया गया चाइना में V13 के नाम से, वही फ़ोन को अब रीब्रांड करके जो है इंडिया में लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फ़ोन के हम जानते हैं स्पेसिफिकेशन की क्या है, इसकी क्वालिटी और इस बहुत सारे रिव्यू और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इस फोन का जो साइज है, डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो यहाँ पर इस फोन का जो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के मेन फीचर के बारे में, जो कि डिस्प्ले आता है, तो एक इसका जो डिस्प्ले है वो निकल कर आता है 6.5 इंच का जो है इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें जो है 90Hz का जो है रिफ्रेश रेट का सिस्टम जो है लगाया गया है। काफ़ी ज़्यादा फ़ोन जो है इसका जो डिस्प्ले अच्छा है। इस पर जो है एमोलेड का ऑप्शन नहीं दिया गया, एमोलेड का यूज़ नहीं किया गया है LCD का। यहाँ पर जो है आपको IPS का LCD आपको इसमें फ़ोन में मिलने वाला है। इस फोन में जो है आपको HDR10 का जो है सपोर्ट मिलने वाला है। अगर हम बात करें इस फोन रेजुलेशन के बारे में, तो 1080x2400 पिक्सल रेजुलेशन आपको मिल जाएगा, जो कि फ़ोन की क्वालिटी और पिक्चर को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करके आपको दिखाता है। आगे हम बात करें इस फ़ोन के वेट के बारे में, वज़न के बारे में, तो यहाँ पर इस फ़ोन का जो वेट है करीब आता है 185 ग्राम का ये फ़ोन होने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें इस फ़ोन के मेन कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि वाइड एंगल के साथ में आता है। साथ में आपको जो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाता है, डेप्थ सेंसर मिल जाता है। आगे हम बात करें यहाँ पर जो है फ़ोन का लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर बैक पैनल से देखते हैं तो 4 कैमरा को जो है नज़र आता है, साथ में 2 करीब जो है फ्लैश नज़र आता है, लेकिन वर्क करता है 1, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बैक पैनल से देखते हैं तो लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। आगे हम बात करते हैं इस फ़ोन के 5G और 4G के बारे में, नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ पर जो है इस फ़ोन का जो 5G नेटवर्क के साथ में आता है, साथ में 4G 3G 2G सभी नेटवर्क को जो है ये सपोर्ट करता है। फ़ोन जो है 11 एंड्रॉयड 11 की OS वर्जन को जो है सपोर्ट करता है, जो कि उस पर रन करता है। फ़ोन में करीब जो है आपको 128+6GB का जो है रैम मिल जाएगा। आगे हम बात करें 8/256 के साथ में ये फ़ोन जो है लॉन्च किया जाएगा। फ़ोन को अगर हम बात करें यहाँ पर जो है करीब इस फ़ोन का जो रेट है वो करीब होने वाला है 18,000 के समथिंग जो फ़ोन है ये लॉन्च होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा इस फ़ोन का जो है 5G के साथ आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही होगा। 5G के साथ में ये फ़ोन जो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा सटीक है। फ़ोन जो है मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ में आता है। इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर गेम खेलते हैं तो कोई भी लैग का ऑप्शन मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पबजी खेलिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फ़ोन जो है 700 मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ में आता है, जो कि 8nm के चिपसेट के साथ में आता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर जो करीब जो है अभी तक इसका कोई मेंशन नहीं दिया गया कि ये फ़ोन जो है कितने मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आने वाला है। बात करते हैं अगर इसका बारे में, तो यहाँ करीब 13 या 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है। कोई कन्फर्म नहीं है कि कितना मेगापिक्सल का होगा, लेकिन यहाँ पर 13 या 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो है हो सकता है। बात करें अगर इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर जो है 5000mAh की जो है इसमें बैटरी मिलने वाली, साथ में आपको सुपर फास्ट 18W का जो है इसमें जो है चार्जर दिया जाएगा। अगर हम बात करें इस फ़ोन के अदर फीचर के बारे में, तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बैग मतलब बटन साइड, बटन जो साइड में होता है वहाँ पर आपको साइड
फिंगरप्रिंट का जो है आपसे मिल जाएगा। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लुक में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इंडिया में जो है करीब ये जो है 23 तारीख या 22 तारीख को जो है लॉन्च होना है। 21 अप्रैल को जो है यहाँ पर थाईलैंड में जो है इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। फ़ोन दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर एक बात करें इसे 185 ग्राम के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करता है इस फ़ोन के वेट को। आगे हम बात करते हैं इस फ़ोन के अदर सेंसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको बाकी सारे सेंसर मिलेंगे जो कि Realme 8 में जो है दिया गया था। बात करते हैं अगर हम इस प्राइस रेट के बारे में, तो यहाँ पर जो है 5G होने की वजह से यहाँ पर जो है इसका जो रेट है करीब 18,000 से लेकर 17,000 या 18,000 के बीच में ही होगा। फ़ोन दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ़ोन को अगर आप यूज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक स्मूथ फ़ोन नज़र आएगा। तो दोस्तों बस स्पेसिफिकेशन हो गया, मैंने आपको जो भी बताया था स्पेसिफिकेशन के बारे में। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।